हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस तारीख हो चुकी है 17 अगस्त 2023 और हर रोज की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2024 को लेकर, इसके साथ ही आईपीएल की सभी टीमों के रिगार्डिंग दिन भर की जितनी भी बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई है उन सभी को लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में हमेशा की तरह काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है और आप लोगों को इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोज़ की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। और ये अपडेट निकल कर आ रही है हरमनप्रीत कौर की साइड से, जहां पर हरमनप्रीत कौर जो कि भारत की इंटरनेशनल टीम की कैप्टन तो हैं ही, लेकिन इसके साथ ही जो विमेंस प्रीमियर लीग हुई थी उसमें मुंबई इंडियंस की टीम की साइड से खेली थी और MI की टीम ने फाइनली WPL के टाइटल को जीत भी लिया था। लेकिन अब हरमनप्रीत कौर ने एक स्टेटमेंट दी है जिनके बाद इनको काफी ज्यादा ट्रॉल किया जा रहा है। दरअसल हरमनप्रीत कौर ने कहा कि इस बार जो विमेंस प्रीमियर लीग था उसका रिस्पॉन्स काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिला, फैंस ने भी WPL को काफी ज्यादा पसंद किया, तो यहां तक तो सब कुछ ठीक था। लेकिन इसके बाद इन्होंने ये भी बोल दिया कि WPL को तो फैंस ने IPL से भी ज्यादा पसंद किया, जिसके बाद इनको काफी ज्यादा ट्रॉल किया गया। लोगों का कहना है कि विमेन प्रीमियर लीग में देखने के लिए तो ऑडियंस भी नहीं आई थी, तो फिर इस तरीके के स्टेटमेंट इनके द्वारा क्यों दिए जा रहे हैं। अभी WPL काफी ज्यादा अपनी बिगनिंग वाले स्टेज में है, तो ऐसे में स्टार्टिंग में ही इस तरीके के स्टेटमेंट देना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है ऋषभ पंत के रिगार्डिंग। जहां पर स्क्रीन के ऊपर आप लोग एक वीडियो देख पा रहे होंगे, जिस वीडियो में ऋषभ पंत का रिटर्न हमें देखने को मिल चुका है और ऋषभ पंत फाइनली क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर आ चुके हैं। और इससे ज्यादा अच्छी बात क्या होगी कि ऋषभ पंत ने अपना रिटर्न किया है 15 अगस्त को, यानी कि शायद इस तारीख का इंतजार कर रहे थे ग्राउंड पर आने के लिए। और 15 अगस्त को ऋषभ पंत फील्ड के ऊपर आए, उन्होंने बल्लेबाजी की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। और हालांकि ये कोई बड़ा मुकाबला या फिर प्रैक्टिस मैच नहीं था, लेकिन इसके बावजूद ऋषभ पंत को देखने के लिए पिच के ऊपर हमें काफी सारे फैंस भी देखने को मिले। अब बस इंतजार इसी बात का है कि ऋषभ पंत हमें जल्दी से जल्दी भारत की टीम में रिटर्न करते हुए नजर आ जाएं। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है वानिडू हसारंगा की साइड से, जहां पर हसारंगा जो कि RCB की टीम की साइड से खेलते हुए नजर आते हैं, इन्होंने अब काफी ज्यादा शॉकिंग एक डिसीजन ले लिया है। जहां पर हसारंगा अभी जिनकी उम्र काफी ज्यादा कम है, बहुत ही ज्यादा यंग प्लेयर है, लेकिन अब इन्होंने डिसीजन लिया है कि ये अपने T20 क्रिकेट को और भी ज्यादा प्रोलॉन्ग करने के लिए जो टेस्ट फॉर्मेट होता है उससे रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर रहे हैं। दरअसल हसारंगा अब टेस्ट फॉर्मेट को खेलने में इंटरेस्टेड ही नहीं है और ये दुनिया भर में जितने भी T20 लीग होती हैं इसके साथ ही श्रीलंका के T20 फॉर्मेट पर फोकस करना चाहते हैं। यानी कि आप इनको श्रीलंका का हार्दिक पांड्या बोल सकते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी तो यही करते हैं कि वो टेस्ट फॉर्मेट में खेलना नहीं चाहते, उसके बाद ODI और T20 में ही वो खेलना चाहते हैं, उसकी कैप्टनसी भी करना चाहते हैं। तो उसी चीज को वानिडू हसारंगा ने भी क्लियर कर दिया है, तो ये भी अब आपको टेस्ट फॉर्मेट में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे और सिर्फ T20 फॉर्मेट में ही खेलेंगे, जिसका मतलब है दुनिया भर में जितनी भी T20 लीग होती है वहां तो जाएंगे, लेकिन इसके साथ ही शायद आने वाले टाइम में इनको श्रीलंका का कैप्टन भी बनाया जाए। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है रवि शास्त्री की साइड से, जहां पर रवि शास्त्री ने भारतीय टीम और तिलक वर्मा और यशस्वी जायसवाल को लेकर एक काफी बड़ी स्टेटमेंट दी है। इन्होंने कहा है कि अगर दोनों ही प्लेयर अभी रेड हॉट फॉर्म में चल रहे हैं तो इनको जल्द से जल्द भारत की टीम में शामिल कर लेना चाहिए। इनके हिसाब से कई बार ऐसा होता है कि यंग प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन उनको मौके नहीं दिए जाते, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यंग प्लेयर्स अभी बहुत ज्यादा यंग हैं, उनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेने की जरूरत है। लेकिन इनके अकॉर्डिंग क्योंकि भारत का जो मिडल ऑर्डर है वैसे भी कोई ऑप्शन उनके पास है नहीं, जो श्रेयस अय्यर और KL राहुल है उनकी जो फिटनेस है उसको लेकर कोई भी अपडेट नहीं है, तो ऐसे में अगर तिलक वर्मा रेड हॉट फॉर्म में है तो उनको टीम में रखना चाहिए, अगर यशस्वी जायसवाल भी रेड हॉट फॉर्म में है तो उनको भी टीम में बिना सोचे समझे शामिल करना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट इनकी फॉर्म का फायदा हमें उठाना चाहिए। इसके साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि जो अगर KL राहुल और श्रेयस अय्यर है वो अगर नहीं फिट हो पाते हैं टाइम से, तो फिर भारत का जो टॉप 7 है वो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलना चाहिए, जिसमें टॉप पर हमें देखने को मिलेंगे ईशान किशन और उनके साथ ही रोहित शर्मा, इसके बाद वन डाउन की पोजीशन पर विराट कोहली, नंबर 4 पर शुभमन गिल, नंबर 5 पर तिलक वर्मा, नंबर 6 की पोजीशन पर हार्दिक पांड्या और नंबर 7 की पोजीशन पर रविंद्र जडेजा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए कि आप लोग रवि शास्त्री के इन टॉप 7 वर्ल्ड कप और एशिया कप से एग्री करते हैं या फिर नहीं। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है गुजरात टाइटंस की टीम की साइड से, जहां पर GT की टीम जिन्होंने केन विलियमसन को लास्ट ईयर अपनी टीम में शामिल किया था, लेकिन बाउंड्री पर अपनी फील्डिंग के चक्कर में केन विलियमसन इंजर्ड हो गए थे, उसके बाद वो पूरे IPL से बाहर हो गए थे। और ऐसे में केन विलियमसन क्या वर्ल्ड कप में खेलेंगे या फिर नहीं, ये भी काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अब अपडेट निकल कर आ रही है कि केन विलियमसन वैसे तो GT की टीम में है, लेकिन अब ये GT की टीम को छोड़ने वाले हैं। दरअसल केन विलियमसन को काफी ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज कुछ टीमों की साइड से देखने को मिल रही है। कुछ रिपोर्ट तो ये भी सजेस्ट करती है कि शायद इनको कुछ IPL टीमों के द्वारा कैप्टनसी का ऑफर भी आया है, तो ऐसे में इन्हीं सब रीजंस के चलते हुए केन विलियमसन GT की टीम को IPL 2024 से पहले छोड़ सकते हैं और वो आपको किसी नई IPL टीम को ज्वाइन करते हुए देखने को मिल सकते हैं।
फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है जसप्रीत बुमराह की साइड से। ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि जसप्रीत बुमराह का रिटर्न हम सभी लोगों को देखने को मिलने वाला है आयरलैंड वाली सीरीज में, और ऐसे में उस सीरीज में जसप्रीत बुमराह भारत की टीम की कैप्टनसी भी करने वाले हैं, और इसके साथ ही ये भारत के T20 फॉर्मेट में 11वें कैप्टन बन चुके हैं। और ये बात कहीं ना कहीं हमें ये भी बताती है कि जसप्रीत बुमराह क्योंकि 11वें नंबर के कैप्टन है, तो ये जो चेंजेस हुए हैं ये काफी ज्यादा सडन है। भारत का जो T20 स्क्वाड है एक तरीके से वो बिल्कुल भी फिक्स्ड नहीं है, और जसप्रीत बुमराह के अलावा अगर हम बाकी के 10 कैप्टन्स की बात करें जो कि आज तक T20 फॉर्मेट में हमें देखने को मिले हैं, तो उनमें हमें नाम देखने को मिलता है सबसे पहले वीरेंद्र सहवाग का, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन बने थे, उसके बाद बीच में सुरेश रैना और अजिंक्य रहाणे कैप्टन बने थे, उसके बाद विराट कोहली ने भी T20 फॉर्मेट में कैप्टनसी की थी, इसके बाद रोहित शर्मा, उसके अलावा शिखर धवन ने भी बीच में कैप्टनसी की थी, ऋषभ पंत भी T20 फॉर्मेट में भारत की कैप्टनसी कर चुके हैं, हार्दिक पांड्या भी भारत के T20 कैप्टन है ही, और इनके साथ ही KL राहुल भी T20 फॉर्मेट में भारत की कैप्टनसी कर चुके हैं। तो जसप्रीत बुमराह इस एलिट लिस्ट को ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे फ्राइडे को, जहां पर भारत और आयरलैंड के बीच में T20 सीरीज स्टार्ट होने वाली है। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है नेपाल की टीम की साइड से, जहां पर एशिया कप के लिए नेपाल की टीम ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है, और अब इन्होंने भी अपने स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी है। पहले ही बांग्लादेश पाकिस्तान अपने स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर चुके हैं, तो नेपाल का जो स्क्वाड होने वाला है उसमें रोहित पौडेल इनके कैप्टन रहेंगे, इनके अलावा आशिक शेख इनके विकेटकीपर होने वाले हैं, इनके अलावा कुशाल भूरतेल, ललित राजवंशी, भीम शार्की, कुशाल मल्ला, इनके साथ ही दीपेंद्र सिंह ऐरी, संदीप लामिचाने, करण केसी, गुलशन झा, आरिफ शेख, उनके साथ ही सोमपाल कानी, प्रतीश चीसी, किशोर महातो, संदीप ज्वारा, अर्जुन सौदर, उनके साथ ही श्याम ढकल, ये सभी प्लेयर्स हमें नेपाल के स्क्वाड में देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की 8वीं और आखिरी अपडेट जो कि निकल कर आ रही है बाबर आजम की साइड से, जहां पर बाबर आजम ने अब IPL को लेकर एक काफी बड़ी स्टेटमेंट दे दी है, जहां पर इनसे पूछा गया था कि क्या ये IPL में खेलने के लिए अपनी कंट्री के जो रूल्स हैं उनको चेंज करना प्रेफर करेंगे। तो बाबर ने कहा कि IPL में अगर इनको चांस मिलता है तो वो अच्छी बात है, लेकिन ये अपनी साइड से कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना चाहते। अगर IPL को ऐसा लगता है कि इनको पाकिस्तानी प्लेयर्स की जरूरत है तो फिर ये खेलने के लिए तैयार है, लेकिन अगर IPL की साइड से कोई ऑफर नहीं आता है तो फिर ये अपनी साइड से कोई भी एडिशनल एफर्ट नहीं डालने वाले हैं। तो गाइस ये वीडियो ही तक थी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।